लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह से मुंह फुलाकर बैठ जाना, बातें ना करना, ये इन सब का क्या मतलब है? मतलब क्या है सबका? प्लीज, इस तरह चीखने चिल्लाने या मुझ पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर क्या करूं मैं? बोलो क्या करूं मैं? इस तनाव भरी खामोशी में यूं ही घुटता रहूं? तुम्हारे झूठ ने ये खामोशी पैदा की है, तुम्हारे झूठ ने मुझे चोट पहुंचाई है। ये माहौल मैंने नहीं बनाया है, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, हर किसी नहीं थी मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा पति ही मुझसे झूठ बोलेगा। जब तक आप मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताते ना, मैं नॉर्मल नहीं हो सकती। हमारे बीच यही तनाव भरी खामोशी बनी रहेगी। आपकी पेमेंट टाइम से पहुंच जाएगी। इट्स माय प्रॉमिस, डोंट वरी। आई एम टेलिंग यू ना, भाई आपकी पेमेंट बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएगी। इंपॉर्टेंट कॉल यार। निशांत, व्हाट इज दिस निशांत? आज के दिन भी तुम फोन पे बात कर रहे हो? कम ऑन, आई एम सॉरी। पर्स पकड़ो। ओके ओके, दे चलूं। निशांत, तुम्हें पता है इंडिया आने के बाद आज पहली बार तुम मुझे बाहर लेकर आए हो। आई एम सो हैप्पी। आई एम आल्सो सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। निशांत, तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने मुझे प्रपोज किया था? मैंने क्या प्रपोज किया था? प्रपोज तो तुमने किया था। मैंने नहीं किया था, तुमने किया था। ओके बाबा, मैंने ही किया था। वेरी गुड, अब मुझे फिर से प्रपोज करो, जल्दी से। क्या? कम ऑन, यहां पे। यस, सो व्हाट? ओके, सो दिस इज अ रोज। ओके, टेक दिस एंड देन यू मैरी मी। हां, मैरी यू? सोचूंगी। कम ऑन यार। क्यूट लग रहे हो ना तुम, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि तुम कितने क्यूट हो। निशांत, बहुत अच्छी जिंदगी दी है तुमने मुझे। एक दूसरी पत्नी होने की जो तकलीफ मुझे महसूस होती है, वो उर्मिला को भी महसूस करनी पड़ेगी। उसको भी तो पता चले कि क्या फील होता है जब तुम मुझे छोड़ के उसके साथ चले जाते हो। क्या तुमने मुझे एक दिन के लिए, एक पल के लिए सच्चा प्यार किया है? हाँ, नहीं किया निशा। और मैंने तो तुम्हें एक दिन क्या, एक पल क्या, हर पल प्यार किया है निशा। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें ही फोन लगा रहा था। देखो चित्रा, मैं जानता हूं तुम कुछ भी कहो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूं कि जितनी भी जल्दी हो सके तुम यहां से वापस चले जाओ।
तुम्हारी नाराजगी को मैं अच्छी तरह समझता हूं, मगर वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। सुबह और शाम की मिसाल देते, वो भी 20 साल बाद। 20 साल बाद तुम्हें मेरी और अपने बेटे की याद आई? ये 20 साल हमने कैसे गुजारे हैं, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? बहुत मुश्किल से बीते होंगे, मगर जो बीत गया सो बीत गया। चित्रा, अब हमें सिर्फ अपने आने वाले समय की फिक्र करनी चाहिए। तुम अपने समय और अपने बारे में सोचो, हमारी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। चित्रा, मैं जानता हूं तुम सुखी नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारी जिद है, तुम्हारा गुस्सा है। तुम अपना गुस्सा छोड़ो, हम सब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तुम मेरी बीती हुई जिंदगी में लगे हुए दाग को धो सकते हो क्या? मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारा दिखावा है, छल है, धोखा है। ये तुम्हारा प्यार उस वक्त कहाँ खो गया था जब तुम मुझे कुंवारी माँ बनाकर भाग गए थे? वो मेरी मजबूरी थी। इंसान एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं। मैंने ये मान लिया है कि मेरा तुमसे ना कभी कोई रिश्ता था, ना है और ना ही होगा। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, क्या एक मौका नहीं दोगी मुझे? नहीं, अपनी एक भूल की बहुत बड़ी सजा भुगत चुकी हूँ मैं, अब और नहीं। तो क्या चाहती हो तुम मुझसे? यही कि तुम चले जाओ और मेरे बेटे सागर के करीब भी जाने की कोशिश मत कर। वो मेरा भी बेटा है। तुम्हारे कहने से क्या होता है, वो एक कुंवारी माँ का बेटा है और उसके बाप का कोई पता नहीं। उसे ना सही, तुम्हें तो पता है। हाँ पता है, उसका पिता मर चुका है और अब मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ। देखो चित्रा, अगर तुम उसके लिए सब कुछ होती तो आज तुम्हारे पास होता। तुम क्या समझती हो मैं कुछ जानता नहीं? देखो, हमारी भलाई इसी में है कि या तो तुम मेरे पास आ जाओ या फिर सागर को मुझे सौंप दो। और हाँ, तुम दोनों में से किसी एक को लिए बिना मैं यहां से जाऊंगा। तुम ये बात अच्छी तरह से जान लो, ना तो मैं तुम्हें मिलूंगी और ना ही सागर। सागर पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम एक माँ से उसके बच्चे को नहीं छीन सकते, कभी नहीं, समझे? कभी नहीं। मैं भी अपना अधिकार लेके रहूंगा। रणवीर सिंह नाम है मेरा। नैना, मैं ये नाटक हैमलेट जितनी बार पढ़ता हूँ ना, उतनी बार एक नया अर्थ पाता हूँ। हमने कितनी कोशिश की ना सागर, फिर भी कभी इस नाटक के शोज नहीं कर पाए। हाँ, कई बार लोगों की कमी और कई बार पैसों की कमी की वजह से, लेकिन आज नहीं तो कल इसका मंचन करूंगा जरूर। सागर, मुझे तो अभी भी ओफिलिया की लाइंस तक याद है। मैं भी कुछ भूला नहीं हूँ, चलो ना एक सीन करते हैं अभी। नहीं नहीं, अभी नहीं सागर, इस वक्त। अरे इस वक्त क्या मतलब? अरे नाटक ही तो हमारी जिंदगी है, फिर वक्त बेवक्त कैसा। चलो लेट्स स्टार्ट। मेरे अच्छे राजकुमार, अब इतने दिनों से कैसे हैं आप? इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अच्छा हूं, अच्छा हूं, अच्छा हूं। राजकुमार, आपने मुझे कुछ तोहफे दिए थे, आप उन्हें वापस ले लीजिए। क्या वाकई में तुम इतनी अच्छी हो ओफेलिया? क्या तुम सुंदर भी हो? क्या मतलब है आपका राजकुमार? यही कि यदि तुम इतनी सच्ची और सुंदर हो तो अपने हृदय से कहो कि सच्चाई को छिपा कर रखे। सुंदरता सत्य को छोड़कर किसी और के साथ रहती है क्या? निसंदेह। क्या तुम नहीं जानती कि कोई भी आदमी कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लेकिन उसे इस सुंदरता के जहरीले धुएं से काला होना ही पड़ता है। एक समय था जब मेरे हृदय में तुम्हारे लिए स्थान था। मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। बैरागिन की तरह सब कुछ छोड़कर जाओ, जाकर किसी गिरजाघर में बैठ जाओ, क्योंकि वहीं तुम मां बनने के पाप से बच सकती हो। जाओ, चली जाओ।
मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छा रहूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसे दोष हैं जिन्हें सुनकर मेरी मां भी मुझसे घृणा करने लगेगी। मैं बहुत अभिमानी हूं, प्रतिशोध की भावना मेरे अंदर कूट कूट कर भरी है। मुझ जैसे नीच और पापी का इस दुनिया में क्या काम। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जाओ जाकर किसी मठ या गिरिजाघर में जाकर बैठो, क्योंकि वहीं तुम्हें मुझ जैसे पापियों से छुटकारा मिलेगा। जाओ, चली जाओ। बस सागर, इतना ही काफी। क्यों? क्योंकि इसके आगे का संवाद उससे सुना नहीं जाएगा। तुम्हारे मुंह से इतनी नफरत की बातें मैं सुन नहीं सकती। अरे ये मैं नहीं, कैरेक्टर बोल रहा है। जो भी है सागर, मुझे बुरा लगता है। नैना, इसीलिए तुम कभी अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी, लेकिन मुझे एक अच्छा एक्टर डायरेक्टर बनना है। सागर, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या जगह है। वही जो एक एक्ट्रेस की होती है। देखो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, बस थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन की कमी है। सागर, मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रही। हाँ, एक्टिंग तुम्हारे लिए करियर थोड़ी ना है, सिर्फ टाइम पास के लिए कर रही। एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम अपनी सारी जिंदगी किसी का घर, किसी के बच्चे संभालने में गंवा दोगे। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? हा? अकेलापन, तन्हाई, इनसिक्योरिटीज। हाँ, हमेशा मुझे एक बात का डर लगा रहता है कि क्या होगा हमारे रिश्ते का। What will happen? मैंने तुम्हें अपना बनाया है निशांत, और तुम मेरे रिश्ते के बंधन से तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक मैं ना चाहूं। अब तक तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी निशांत, लेकिन जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हारा और उस उर्मिला का ऐसा हाल करूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। शांत, कल तो हमारी शादी की एनिवर्सरी है ना, तुम्हें याद है? मुझे नहीं लगता तुम्हें याद है, बट स्टिल लेट मी चेक। हाँ बोलो, क्या बात? तुम बार बार फोन क्यों काट रहे हो? क्योंकि मैं अभी किसी से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरा भी अपना मूड होता है। तुमसे भी कोई बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा है? हाँ, तुम क्यों मरोगी? तुमने हमें मारने की जो तैयारी जो कर ली। जस्ट शट अप। मैंने तुम्हें फोन तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं किया है। कान खोल कर सुन लो, कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, याद है तुम्हें? थैंक्स, शुक्रिया, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला निशांत, मैं चाहती हूँ कि तुम कल सुबह से पूरा दिन मेरे साथ हो। मैं हमारी एनिवर्सरी धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। हाँ, एक काम करते हैं, पूरे शहर को इनविटेशन देते हैं। पूरे शहर को इनवाइट करो या नहीं, लेकिन हाँ, तुम अपनी स्टुपिड सी उर्मिला को जरूर इनवाइट कर सकते हो। तुम पागल हो गई क्या? हाँ क्यों, अब क्या हुआ? उर्मिला के नाम से हालत बिगड़ गई तुम्हारी? शी डरपोक। देखो सजना,
आई एम सो सॉरी, कल मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता, ओके? यू हैव नो चॉइस निशा, तुम नहीं आओगे तो मैं आ जाऊंगी। तुम समझती क्यों नहीं, तुम्हें नहीं पता हमारे घर में क्या हो रहा है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम समझ नहीं रही हो, उर्मिला आजकल मेरे साथ इस तरह से पेश। अब मैं बाद में बात करता हूँ। क्यों? तुम्हारी स्टुपिड सी उर्मिला सामने आ गई क्या? हाँ? बाय, बाद में बात करता हूँ। उर्मिला मुझे बहुत जोर से भूख लगी, खाना तैयार? खाना लगा दिया है, आप जाकर खा लीजिए। चलो ना, साथ में खाना खाएंगे। मुझे भूख नहीं है, आप जाइए, आप खाना खा लीजिए। तबीयत तो ठीक? मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, बस यूं ही मेरा मन नहीं कर रहा है। किससे बात कर रहा है? निशान सबीना से बात कर रहे थे। ओह माय गॉड, मैंने सबीना के लिए न जाने क्या क्या किया है, और वो ऐसी निकली। और निशान, वो तो मेरे पति है, इतना प्यार करते हैं वो मुझसे, वो मेरे से ऐसा नहीं कर सकते। मेरी सहेली के साथ